गुणा चल रहा था तीसरा पदार्थ। कर्मणो व्यतिरिक्तत्वे सति उपादानत्व निर्मुक्तत्वे सति अवांतर जातिवत्तम गुण लक्षण विधि गुण विधान मत। गुणवेत्ताओं का सिद्धांत है, गुण उसे कहते हैं जो कर्म से भिन्न है, उपादान कारणत्व रहित है और पदार्थ के अवांतर जाति वाला है, ऐसे का नाम गुण है। सच रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रत्यक्ष संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्य संस्कार ध्वनि प्राकट शक्ति वेदा चतुर्विंशति विदाह। ये अंतर, ये भी 24 मान रहे हैं लेकिन तीन में अंतर कर दिया। अंत में तीन क्या नाम लिया इन्होंने अलग, इसलिए ध्वनि प्राकट्य और शक्ति इनको गुणों में मानते ही। और कौन से तीन छोड़ा इसलिए इन्होंने, शब्द धर्म और अधर्म। शब्द को पहले सिद्ध कर चुके हैं वो द्रव्य है और धर्म अधर्म को सिद्ध करेंगे वो क्रिया है, कर्म कोटि में ले आते। वो तीन तो गुण नहीं रह गए, अब उन तीन की जगह पर तीन अलग मान रहे हैं, हाँ ध्वनि प्राकट्य और शक्ति, इन तीन को गुण मानते हैं। इस प्रकार से 24 गुण है, यदि चतुर्विंशति विदह गुण। सबसे पहले रूप का लक्षण है, तत्र रूपां चक्षुरिंद्रिय मात्र ग्राह्यं पृथ्वी आदि त्रय तमसी च वर्तमानं विशेष गुण। चक्षुरिंद्रिय मात्र ग्राह्य है उसका नाम रूप है। पृथ्वी आदि त्रय, पृथ्वी जल तेज और अंधकार, तमसी च वर्तमान विद्यमान विशेष गुण है ये। तक्ष और वह सातरीन के मत में पांच है, शुक्ल कृष्ण पीत रक्त श्याम भेदेन पंचविधाम, सफेद काला पीला लाल हाँ, और जो है नीला श्यामनिया, क्योंकि कृष्ण का दिया काला के लिए, ये श्याम ने नीले रंग लिया, गाढ़ा काला पंजे नीला रंग करता है ब्लू। दो छोड़ दिया इन्होंने, हरित और चित्र, हरित और चित्र दो रूप रंग रूप को छोड़ दिया। हरित मैंने ग्रीन हाँ, हरा रंग, और चित्र मैंने सबका मिक्सचर था, उसको दोनों को इन्होंने मना कर दिया, ये दोनों गुण हम नहीं मानते, रूप नहीं मानते। एतेषां अवांतर वेदाः पुनरसंज्ञाः, और इनकी जो अवांतर भेद करोगे तो असंख्य रूप है ना। जैसे पेंटिंग की दुकान में जाएंगे तो दिखाएगा ना कार्ड, इतने बड़े बड़े कार्ड होते हैं हजारों रंग, जितना बड़ा कंपनी उतनी हजारों रंग बना देते हैं। और अब तो उससे भी आगे कहते हैं रंगों को क्या बना, जो चाहे सो बन जाएगा, जैसे चाहो वैसे हो जाएगा, कंप्यूटराइज कर दिया, और आप बैठे बैठ करके अपने आप रंग बना लो, जैसे रंग बनाओगे वैसे चीज़ बन जाएगी, वहाँ सब रंग वहाँ रखा हुआ है, जिससे किसी की जरूरत ना करके मिल जाएगा, मिल करके आप जो रंग चाह रहे वो रंग बाहर आ जाएगा, ऐसे बना दिया। और स्वयं बना सकते हैं कंप्यूटर में बैठ के, जिसको जितना मिलाना मिला मिलो करके परसेंटेज, जब नए इलेक्शन रंग बन जाएगी वो आपको पसंद आ जाएगा, फिर वो रंग आपका तैयार बन के आ जाएगा। इसलिए कहते हैं वो रंग इसलिए आना असंख्य हो जाएगा। ये पांच को ही आपस में मिला जुला करके जो है प्रतिशत बड़ा घटा करके गाढ़ा गाढ़ापन हल्कापन इत्यादि करता हुआ ये असंख्य हो जाएगा। रसो रस इंद्रिय मात्र ग्राह्य, और रस रूपा दूसरा गुण कैसा है कि रस इंद्रिय मात्र ग्राह्य, पृथ्वी जल मात्रवर्ती विशेष गुण। ये भी दो ही में मान रहे हैं पृथ्वी और जल, रूप में तो गलत था एक्स्ट्रा माने ने, अंधकार में भी है काला रूप, पृथ्वी जल तेज और अंधकार चार में माना था है ना, क्योंकि ये अंधकार को भी एक द्रव्य मानते, उसमें कृष्ण रूप मानते हैं। रस में तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, क्योंकि नदी के न्यून है उतना ही सभी मान रहे हैं, छह प्रकार रस है और पृथ्वी जल दो में रहता है, पृथ्वी जल मात्रवर्ती विशेष गुण। सच मधुर तिक्त अम्ल कषाय कटु लवण भेदेन षड विदः, मीठा तिक्त
तीखापन, आमला, खट्टापन, कषाय, कसैया रंग, कसैया बोलते हैं ना उसको, कसैया स्वाद, आमले वगैरह का जैसा होता है, कटु मिर्ची या लवण नमक भेदेना, कोई तिक्त से रहते हैं मिर्ची का तेजपन को तो कटु हो जाता है, कड़वा, कड़ू भी बोलते इसलिए इसको कटु, कड़ू टको ड बोल दिया कड़ू। एतेषम अपि अवान्तर वेदाः बहुविधाः, इनके भी रसों के भी आपस में मिला जुलू करके जो ना आप जितनी चाहे उतनी भेद बना सकते हो, अवान्तर वेद जो है बहुत है, कह नहीं सकते कितनी है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, जितने घर में जितनी चीज बन रही है सबका टेस्ट अलग होता है, सब रस अलग है। इस प्रकार रस का वर्णन हुआ, अब गंध का वर्णन करते हैं। गंधो घ्राणेन्द्रिय मात्र ग्राह्य पृथ्वी मात्रवर्ती विशेष गुणः, गंध क्या है घ्राणेन्द्र मात्र ग्राही है, कहाँ रहता है वो पृथ्वी मात्र में, और पृथ्वी का विशेष गुण है। सच वह दो प्रकार का नहीं इनके मत में, सुरभि असुरभि दो ही बोला ना, सुगंध दुर्गंध, कहते नहीं हमारे मत में तीन है, सच सुगंध दुर्गंध साधारण गंध भेदेन त्रिविधा, सुगंध दुर्गंध और साधारण गंध, जिसे आप न सुगंध कह सकते हो न दुर्गंध कह सकते हो, ऐसे गंधों को साधारण गंध में डाल दिया। जलादौ गंध प्रतिभानंदो पृथ्वी संबंधात इति द्रष्टव्य, जलादि भी तो सुगंध होता है ना, सुगंधित जल होते हैं, क्यों वहां कैसे आगे गंध, फिर कहते वहां जो गंध का प्रतिभास हो रहा है वह पार्थिव तत्व के संबंध की वजह से, पार्थिव तत्व का संबंध है, पानी में चंदन डाल के रख दिया, गुलाब डाल के रख दिया, वही गंध उसमें आ जाता है, पार्थिव तत्व ना गुलाब चंदन वगैरह, इसलिए वो सुगंध आ गया उसमें। स्पर्श त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य पृथ्वी चतुष्टये वर्तमान विषय गुण सोपि शीतोष्णानुशीत अनुष्णाशीत भेदेन त्रिविधः, शीतोष्णानुष्णाशीत भेदेन त्रिविधः, इससे भी कोई विवाद नहीं है, जैसे अन्य सप्तार्किक मान रहे हैं वही इनका भी लक्षण है, तो इंद्र मात्र ग्राही है, और पृथ्वी आदि चतुष्टय वर्तमान विशेष गुण, पृथ्वी आदि चार में रहते, पृथ्वी जल तेज वायु चारों में रहने वाला विशेष गुण है ये। सोपी वह भी तीन प्रकार का है, जैसे अन्य मानते वैसे हम भी मानते हैं, शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, और अनुष्णाच स्पर्श पृथ्वी और वायु में। संख्या पुनरेकत्व अधिवार है तो सर्वद्रव्यवर्तित्व सामान्य गुण सा पुनरेकादि परार्थ पर्यंता, संख्या क्या है कद एकत्वाधिवार हेतुभूता गुण विशेष का नाम संख्या है, लेकिन वो सामान्य गुण कहा जाएगा उसको, क्यों क्योंकि सर्वद्रव्यवर्तित्व सामान्य गुण सकल द्रव्य में रहता है ना एकत्व संख्या, इसलिए जो है वह सामान्य गुण है, और वह एकादि से आरंभ करके परार्ध पर्यंत अनंत पर्यंत संख्याएं हैं, इन कुछ गिना देते हैं बाकी तो सब जानते हैं, इसलिए श्लोक बता दिया, एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षं च न्यूतम चैव कोटिर अर्बुदमेव च पुनः खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंतिम मध्यम परार्धं च दश वृद्ध्याय था क्रमात्, दस दस गुणा बढ़ाते जाओ, पहला संख्या एक उसका दस गुणा क्या है दस, उस दस का दस गुणा सौ, सौ का दस गुणा हजार, हजार का दस गुणा दस हजार, अयुतम मैंने दस हजार, इसीलिए अयुतम मैंने दस हजार, और दस हजार का दस गुणा सौ हजार, सौ हजार मैंने एक लाख, लक्षां कह दिया, उसकी दस गुणा मैंने दस लाख न्यूतम, उस दस लाख का भी दस गुणा सौ लाख मैंने एक कोटि एक करोड़ कोटि ही, और उस करोड़ का दस गुणा दस करोड़ का नाम अर्बुदम, यानी आजकल हम लोग क्या कहते हैं अरब को सौ करोड़ के एक अरब बोल देते हैं, यानी संस्कृत में दस करोड़ का नाम एक अर्बुद है, और सौ करोड़ का उसका भी दस गुणा उसका नाम खर्व, सौ करोड़ हो गया, उसका भी दस गुणा मान एक हजार करोड़,
का नाम निखर्व। और 1000 करोड़ का भी 10 गुणा, 10,000 करोड़ का नाम शंख। 10,000 करोड़ का भी 10 गुणा, 1,00,000 करोड़ का नाम पद्म, उसका भी 10 गुणा सागर, उसका भी 10 गुणा। और उससे आगे का जाम गया कि नहीं, यही बहुत है, इतना कौन पूछता है, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इसे कहते हैं कि इसे आगे गिनते नहीं, इससे आगे 10 गुणा 10 गुणा करने की कोई जरूरत नहीं रहा, यही सबसे बड़ा संख्या हो गया सागर। इसके अलावा 3 संख्या और माने जाते हैं, अंत्य, मध्य और अनंत। अंत्यम मध्यम परार्धंच, परार्ध माने अनंत, ये भी 3 विलक्षण संख्या है। पूर्व पूर्व संख्या को 10 गुणन करने पर उत्तरोत्तर संख्या का लाभ होता है, दश वृद्धिया यथा क्रमात् गतिया। परिमाणम अपि मान व्यवहार कारणम सर्वद्रव्यगतम सामान्य गुणः अणु महादीर्घादि भेद भिन्नञ्च तत्र अणुत्वं परमाणुगतम महत्परिमाणम गगनादिगतम इतराणि पुनः इतर द्रव्यगतानि। परिमाण क्या है, कहते हैं मान व्यवहार कारणम, मान वजन नाप तौल के जो व्यवहार का असाधारण कारण का नाम परिमाण नामक गुण विशेष है, और वह गुण विशेष को हम सामान्य गुण मानते हैं। क्यों, सर्व द्रव्य गदम, सब द्रव्य में विद्यमान होने से वो सामान्य गुण है। और अनेक प्रकार का है, अणु मात दीर्घ ह्रस्व उसे भी परम मध्य आदि जोड़ता हुआ, आदि भेदेन भेद भिन्नंच, आदि भेदों से अनेक भेदों वाला है वो। उनमें से अणुत्व कहाँ है, परमाणु परिमाण में होता है अणुत्व परिमाण, और महत परिमाण गगन आदि उसे परम जोड़ देना, परम महत परिमाण जो है आकाश आदि में है, परम अणुत्व परिमाण परमाणु में रहता है, और अन्य जो भी है वे सब पेच के अन्य द्रव्यों में रहते हैं। इतराणी पुनः इतर द्रव्यतानी घटपटाल सब द्रव्यों में अलग 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 परिमाण होते हैं, उसकी व्यवस्था आपने बना लिया है, कहीं फुट में कहीं मीटर में कहीं कुछ में नहीं, कहीं इंचों में कहीं सेंटीमीटरों में हाँ, कहीं लीटर में कहीं किलो, अलग अलग तरह के आप लोगों ने बना लिया है नाप, अपने अपने जमाने के अनुसार अपने अपने नाप चलते रहता है। हर चीज का नाप है ना, हर चीज का नाप है, और सब नापों का अलग अलग हिसाब होता है। सोने को नापते अलग हैं, हाँ सोने का अलग होता है वजन, और खसखस से शुरू करेंगे, खसखस होते ना खसखस, उससे शुरू गुंजा वगैरह पल वगैरह आता है, वो मिलीग्राम ग्राम बोल देते हैं। पहले केले वगैरह डजन में होते थे, जो भी किलो में हो गया, सब किलो में। चलो ये भी सुविधा, एक ही एक के नाप में रखो, दिमाग में अनेक नाप रखने की जरूरत नहीं। पृथक्तम, पृथक्त नाम का गुण है, उस पर विचार करते हैं कुछ लोग, उसको मानते कुछ नहीं मानते, सिर्फ थोड़ा शास्त्र बातें करेंगे। यहाँ पृथक्तम भेद व्यवहार कारणम सर्वद्रव्यगतम सामान्य गुण अत्र प्रभाकर कार्य द्रव्य नान मन्यन्ते तदुक्त पदार्थ दीपिकायाम। पृथक्त नाम का एक गुण है जो सकल प्रकार के भेद व्यवहार का कारण है, और भेद से भिन्न भी है, इसलिए भेद व्यवहार का कारण है, इसे पृथक्त कारण हो गया, कार्य क्या हो गया, भेद। पृथक रूपी गुण के कारण से भेद का व्यवहार हो जाता है, तो पृथक और भेद को दो अलग मानने की जरूरत नहीं, इसे वेदांति भी कहते हैं। न्याय रक्षित करेंगे, अलग अलग जरूरत है, अपने अपने हिसाब है। तो कहते हैं हर बात को लेकर इमो पृथक बोलो ना, इमो पृथक, और भेद में क्या होता है, अयम अस्मात भिन्न, बोलने की शब्दावली अलग हो गया ना, इसे तत्व भिन्न मानना पड़ेगा ना। जहां इमो पृथक बोल रहा हूं और अयम अस्मात भिन्न कह देता हूं, तो दोनों में अंतर देखना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको उसमें गुण और व्यवस्था को भिन्न भिन्न करनी पड़ेगी। तो हम कहते क्या जरूरत है, इमो भिन्नो कह दो, इमो पृथक कहते हो, इमो भिन्नो कह दो, इसे अयम अस्मात भिन्न बोलते हो, अयम अस्मात पृथक भी बोल सकता हूं, तो भिन्न पृथक से समान व्यवहार हो गया ना, इमो भिन्न हो इमो पृथक, अर्थात भिन्न पृथक पर्यायवाची हो गई। ऐसे अपना वेदांती वो लोग तर्क देते हैं, इनका कहना है कि नहीं, फिर भी हमें अलग अलग मानना जरूरी है, क्यों, उसका युक्तियां देंगे, देखिए अपने हिसाब से। अब भेद व्यवहार का कारण का नाम पृथक है,
सर्व द्रव्य गतम, वो सकल द्रव्य में रहता है, अर्थ कारण द्रव्य में भी है और कार्य द्रव्य में भी है, और अतएव सामान्य गुण। किंतु इस विषय में, इस गुण के विषय में प्रभाकर मत का कहना है, अत्र प्रभाकरः कार्य द्रव्येषु पृथक्त्वं नान मन्ते, कार्य द्रव्यों में पृथक्त्व कथन वे नहीं मानते हैं। पृथक्त्व गुण को कार्य द्रव्य में नहीं, कारण द्रव्य में मानते, परमाणुओं में है, आकाश काल आत्मा में है, नित्य कनकंदम क्या नित्य द्रव्यों में मानते हैं, कार्य द्रव्य मतलब अनित्य द्रव्यों में नहीं मानते। पृथक्त्वंतु गुणों नित्य द्रव्येषु परमाणुषु भवेद् व्यावर्तको धर्मः कार्य द्रव्येषु निश्यते। पृथक्त्वंतु गुणो नित्य द्रव्येषु परमाणुषु भवेद् व्यावर्तको धर्मः कार्य द्रव्येषु निश्यते। पृथक्त्वनाक गुण कहाँ रहता है? नित्य द्रव्येषु माने आकाश काल आत्मसो मनसो और परमाणुषु और परमाणु भवेत् व्यावर्तको धर्म, वहां जो है व्यावर्तक धर्म रूपेण मानना जरूरी है, क्योंकि सब व्यापक है, सब जैसे विभू होता होगा एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, अलग कैसे रह जाएंगे बिना बीच कोई पृथक्त्व माने भी, इसे पृथक्त्व नाम गुण मानना पड़ता है उन विभू पदार्थों की पृथक्त्व के भेद की सिद्धि के लिए। परमाणु में भी ऐसे भेद सिद्धि करने के लिए पृथक्त्व मानना जरूरी है। कार्य द्रव्येषु निश्यते ऐसे पदार्थ दीपिका नाम ग्रंथ में जो कि प्रभाकर मत का सिद्धांत है उसमें बात कही गई है। तदयुक्तम यह कहना उनका ठीक नहीं, क्यों? कार्य द्रव्येषु भी भेद प्रतिपत्ति है अवश्य आश्रयणीयत्वात्, कार्य द्रव्यों में भी भेद की प्रतीति होती है, इसलिए कार्य द्रव्यों में पृथक रूप गुण को अवश्य आश्रय करना चाहिए। ननो पदार्थानां स्वरूपमेव भेद, तब प्रभार कर कहता है कार्य द्रव्यों में जरूरत इसलिए नहीं कहता हूं, वो साफ दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष हो रहा है, घट और पट दोनों भिन्न है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः उन दोनों के जो भेद मान के अलग कोई गुण मानने की जरूरत नहीं, उस भेद के लिए उनके स्वरूप को ही भेदक मान लो, घट का जो स्वरूप है और पट का जो स्वरूप है यही एक दूसरे का अपने आप में भेदक बन जाएंगे, वही बीच में गुण विशेष मानोगे पृथक नाम का, और उस पृथक्त्व के कारण से घट और पट दोनों भिन्न हो जाएंगे, यह मानने क्या जरूरत, गौरव काम है। कौन कहता है ये? प्रभाकर। पदार्थानां स्वरूपमेव भेद तच्च कार्य द्रव्येषु प्रत्यक्ष गम्यम इति न तत्र अतिरिक्त व्यावर्तक धर्म कल्पनावकाश है, और वह कार्य द्रव्यों में प्रत्यक्ष गम्य हो रहा है, घट पूजा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, पट पूजा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उनके स्वरूपगत भेद के कारण से ही वहां भेद व्यवहार हो जाएगा, पृथक द्रव्य गुण को माने बिना भी भेद व्यवहार संभव हो गया, इसलिए उस स्थल में तद अतिरिक्त व्यावर्त धर्म, इसलिए स्वरूप से तद माने स्वरूप से भिन्न कोई व्यावर्तक धर्म जिसको पृथक नाम की गुण की कल्पना करने का कोई अवकाश नहीं है। स्वरूपातिरिक्त व्यावर्तक धर्म क्या? प्रत्यक्ष नामक गुण, उस गुण को मानने की कोई जरूरत नहीं है। अदृष्ट स्वलक्षण तो स्वरूप दर्शन अभावात युक्तमेव व्यावर्त धर्म अनुमानम, और अदृष्ट स्वलक्षण, और जिन द्रव्यों का स्वलक्षण माने स्वरूप, जिन द्रव्यों का उनके स्वरूप आप आंख से दिखता नहीं, जैसे आत्मा का, आकाश का, काल का, दिक का, परमाणु, ये सब कैसे हैं, इनके स्वरूप आप देख सकते हो क्या? किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण है? नहीं होता, इंद्रिय ग्राही नहीं है वह, अतएव उनको परस्पर भेद करने के लिए हमें वहां एक पृथक नाम का गुण मानना पड़ेगा। अदृष्ट सुलक्षण माने स्वरूप, तो स्वरूप दर्शन अभाव है ना, उनके स्वरूप दर्शन का न होने से युक्तम व्यावर धर्मानुमानम, इसलिए वहां भी अनुमान से करेंगे हम, अतएव पृथक गुण जो नित्य द्रव्य में रहता है वो अनुमेय द्रव्यत्व के समान, जैसे द्रव्य क्या है कार्य द्रव्यों में भी है, सभी द्रव्य में होते हुए भी अनुमेय है, ऐसे मानते हैं ना लोग, तब कहता ये कि उसी प्रकार यहां भी आप जैसे वहां मानते हो वैसे यहां मानो, क्योंकि ये जो व्यावर्तक धर्म पृथक्त्व नित्य द्रव्यों में क्या है? अनुमेय है, उनका अनुमान किया जाएगा। लेकिन आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है ना, फिर उसमें क्यों पृथक्त्व मान रहे हो? अभी नित्य द्रव्य है, अभी नित्य द्रव्य है, वहां क्यों मानते हो? कद आत्मनि प्रत्यक्षेपि विभुत्वात् व्यावर्तधर्म स्वीकारः।
आत्मा भले प्रत्यक्ष होता है किंतु वो कैसा है, विभू है। इसीलिए वहां भी व्यावर्त धर्म मानना जरूरी है, क्योंकि आकाश आदि अन्य विभू पदार्थों से उसको भिन्न कैसे करोगे आप आत्मा और विभू को, इसीलिए पृथक धर्म को विषय मानना। चेतमयवान स्वरूप वेद पक्ष अनुपत्य है, स्वरूप को ही भेद का कारण मानना यह पक्ष उचित नहीं है। तथा ही क्यों पदार्थानां स्वरूपस्य भेदत्वे, स्वरूप पदार्थों का स्वरूप को भेद कहते हो तो ये व्यवहार कैसे होता है, घटस्य भेदः, घट का भेद पट में है, व्यवहार कैसे हुआ। यदि घट का स्वरूप ही भेद है तो घट का भेद नहीं बोल सकते ना, घटात्मको भेदो बोलना पड़ेगा, घट स्वरूप भेद है। घट स्वरूप से जब भिन्न भेद नहीं है तो दोनों का संबंध कहाँ होता है, दो भिन्न वस्तु के बीच में। राज्य पुरुष है, राजा तो पुरुष भी होता है राज्य पुरुष भी होता है, जब राजा खुद क्या है पुरुष है ना, तब राजा तो पुरुष बोलोगे। अब जब राजा का पुरुष राजा अलग दिख रहा है पुरुष अलग दिख रहा है तो राज्य पुरुष बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इस तरह से यहां पर भी कहते हैं घटस्य भेद जो बोल रहा हूं इसका मतलब घट का भेद मैं देख रहा हूं कहीं अन्यत्र, अर्थात घट स्वरूप से घट का भेद क्या है, भिन्न वस्तु है, उसको हमने कहा जाएगा पट में देखा। घटस्य भेद इति संबंधित्वेन घटात पटो भिन्न इति विशेषणत्वेन च, और कहीं के पर क्या कर देते हैं घटात पट भिन्न ऐसा प्रयोग कर दिया, घटात पंची प्रयोग कर दिया ना, घट से पट क्या है भिन्न है, और पट में जो भिन्नत्व चीज क्या चीज है पट का विशेषण है, पट का विशेषण है, तो कहीं संबंधित्वेन प्रतीत हो रहा है और कहीं विशेषणत्वेन प्रतीत होता है भेद भेद, अतएव स्वरूपत्वेन कहीं प्रतीत हुआ नहीं। घट का या पट का विशेषणत्वेन प्रतीत हो रहा है अथवा संबंधित्वेन प्रतीत हो रहा है, कहीं भी स्वरूपत्वेन प्रतीत नहीं हुआ, फिर कैसा बोलोगे भेद को स्वरूप करके। विशेषत्व भेद प्रत्यय निराश्रय भेद, फिर वो भेद प्रत्यय निराश्रय माननी पड़ जाएगी। घट भेद पदयो पर्यायत्व प्रसिद्धित, और दूसरी आपत्ति क्या होगा, घट का स्वरूप ही भेद है पट का स्वरूप ही भेद है, तो घट और भेद पट और भेद सब शब्द क्या हो जाएंगे पर्यायवाची हो जाएंगे। तस्मात सर्वद्रव्य गतम एव प्रदत्ता, इसलिए केवल कारण द्रव्य नहीं किंतु सर्वद्रव्य कारण द्रव्य सभी द्रव्यों में आपको पृथक मानना ही चाहिए। औपरिषदास्तु वेदांती लोग क्या कहते हैं देखो, स्तंभात कुंभो भिन्न इति कुंभ भेदावगमस्य तत्पूर्व भावी स्तंभ भेदावगम निबंधनत्वात्, जब कहते हो स्तंभात कुंभो भिन्न या अन्य नैसर्गिक उसे देते हैं, स्तंभ से जो है कुंभ भिन्न है और कुंभ से स्तंभ भिन्न है, ऐसे जब कहता हूं तब एक का भेद को दूसरे में लेने के लिए उसका भी प्रश्न निश्चय हो गया है, एक तरफा भेद तो हो नहीं सकता, अन्योन्य भेद है ना वो, इसलिए आपका नाम रख दिया अन्योन्य भाव। आपने क्या नाम रखा तार्किकों ने, अन्योन्य भाव नाम रखा था उसको भेद को, इसका उसमें उसका इसमें, मान एक अवधिक उसमें भेद और तद अवधिक इसमें भेद आप मान गए तो अन्य शब्द जरूर आएगा। कहते हैं स्तंभात कुंभ भिन्न जब कहोगे, कुंभ भेद का जो अवगम ज्ञान है तत्पूर्व भावी स्तंभ भेद के अवगम का निमित्त से होता है, इसी प्रकार से स्तंभ भेद अवगम से जब यदि उल्टा कहूं मैं कुंभात स्तंभो भिन्न कुंभात स्तंभो भिन्न बोल दूंगा तब क्या होगा, स्तंभ निष्ठ भेद का अवज्ञा ज्ञान जो कैसे होता है तत्पूर्व भावी कुंभ भेद का ज्ञान के अधीन हो जाएगा, तत्पूर्वभावी कुंभ भेद अवगम अधीनत्वात् भेद प्रतिपत्तिमेव दुस्संपादनाम मन्यमानाः, अरे भेद की प्रतिपत्ति संसार में हो नहीं सकती है कि अन्योन्य से दूर, ऐसे मानते हुए तत्पूर्वकाणाम अनुमानादिनम अपि तत्पूर्व जितने अनुमानादियां होते हैं उनको भी भेद प्रतिपादकत्वं निराकुर्वन्तः, भेद का प्रतिपादकत्वेन उनका भी सबका निराकरण कर देते हैं, और प्रमाण भी क्या देते हैं नेह नानास्ति किंचन, अरे इस ब्रह्म में नानात्व नाम का भेद नाम का चीज है नहीं, श्रुति प्रमाण है, इसलिए संसार वास्तव में भेद है ही नहीं, ऐसे कर यहाँ जाके गड़बड़ कर रहा है वो, कहाँ कह रहे हैं शुद्ध ब्रह्म में, व्यावहारिक सत्ता में तो नहीं कह रहे ना, अब उसमें जोर से व्यावहारिक सत्ता में लगा रहा है,
वेदांत लोग देखो व्यावहारिक सत्ता वेद को निषेध कर दिया। अरे व्यावहारिक सत्ता वेद निषेध करता है क्या मंत्र? ये मंत्र पारमार्थिक सत्ता में निषेध करता है। नैनानास किंचन इत्यादि वेदांत वाक्यानां प्रत्यक्षादि विरोधम परिहर्तुम पृथक्त्वम नाम गुणांतरम परमार्थ तो नास्तित्याह, प्रत्यक्षादि का विरोध हो जाएगा इसे इस वेदांत वाक्य का समर्थन करने के लिए, प्रत्यक्षादि विरोध का परिहार करने के लिए पृथक्त्व नाम गुणांतर को वो वास्तव में है ही नहीं कह देते हैं। प्रभाकर से महान प्रभाकर तो कल कुछ तो मैं माना कुछ मैं नहीं मान रहा था, नहीं कारण में मान लिया कार्य में नहीं मान रहा था, और एक गजा है ही नहीं चीज कहाँ तुम, वो तो खपुष का समान तुम्हारा है, पृथक नाम कोई चीज ही नहीं। तथापि न रमणीय उनका वह मत उचित नहीं है। क्यों? स्तंभ कुंभ वाद प्रतिवादिनौ पह पावकौ इत्यादि नाम परस्पर भेद से क्वचित अप्रतियमान निषेध अनुपपत्ते है। समस्या होगा स्तंभ कुंभ वाद प्रतिवादिनौ, ऐसे क्या होता कि नहीं द्विवचनांत सबको कैसे हुआ? यदि दो भिन्न वस्तु थे ही नहीं तो द्विवचन कैसे प्रयोग कर रहे हो आप? दो भिन्न वस्तु हैं तब ने द्विवचन आया, द्विवचन वचन क्यों प्रयोग होगा? पया पावक इत्यादि ना परस्पर भेद से क्वचित भी अप्रतियमान कहीं भी उनके भेद की प्रतीति नहीं होती है, फिर उनका निषेध भी क्यों करोगे आप? उनका निषेध भी उपपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब आप पृथक्त को निषेध कर रहे हैं, हाँ पृथक्त को निषेध कर रहे हैं, इसका कहीं अन्यत्र उसका प्रतीति माननी पड़ेगी, क्योंकि अप्राप्त से निषेध से प्राप्त हो सकते हम निषेध न्याय है, जब प्राप्त ही नहीं तो निषेध क्या कर रहे हो आप? मैंने कहीं ना कहीं प्राप्त है तभी उसको आप निषेध कर रहे हैं यह मानना पड़ेगा, नहीं तो निषेध करना ही, कहीं भी यदि प्राप्त नहीं हो ऐसे उसका निषेध कोई खरपुश का निषेध करेगा क्या? आप भेद को निषेध कर रहे हैं इसका मतलब भेद कहीं अन्यत्र उपलब्ध है। नहीं घटम क्वचिदपि अजानाना यह भूतले घटो नास्ति घटम प्रतिषेधमुत्सान्ते। जैसे कोई व्यक्ति है उसने कभी कहीं भी घट नाम का चीज को जानता ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं है, जानते नहीं घट क्या होता है। हाँ जैसे विदेशी है बच्चे लोग जो शहरों में पलते हैं आजकल के शहरों में, उनके मन घड़ा क्या होता है नहीं मालूम होगा। वो एक बार ऐसे हुआ विदेश से कुछ बच्चे आए भारत में, वो तो गाय को केवल डिब्बों में देखे, डिब्बे केवल पेंटिंग में फोटो होता है ना, डायरी पाउडर डायरी मिल्क वाला पाउडर बोलते हैं दूध पाउडर, उसके ऊपर डिब्बे में प्रिंट रहता है, तो उसको देखा हमने कभी तो गाय तो देखे नहीं थे। अब यहाँ आए तो बेंगलोर शहर में घूम रहे थे तो वो पूछते जानवर ये कौन सा जानवर है? लगता तो है वो है कौ गाय है ये। वो कहते लगता, अरे लगता नहीं है, है गाय है। शहर का बीच में गाय ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो गाय को देखना है तो 150-200 किलोमीटर दूर भागना पड़ता है शहर से बाहर, गांव में कहीं रहता है डेरिया वहां जानी पड़ती, और हमने तो कभी देखा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा तुमको देख के आ रहा तो तुमको छुआ भी देता हूँ, चलो गाड़ी रुके सबको उतारे बने सब छुओ इसको, गो माता को छुओ, ऐसा बड़े छुओ रहे बड़े प्यार कर जिंदगी में जो ऐसे लगा उनको स्वर्ग मिल गया, खुश हो रहे थे सारे बच्चे, कहीं मिला ही नहीं था उन्हें। ऐसे होते हैं संसार में जो घट को जानते ही नहीं, घट क्या होता है, घड़ा क्या होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कभी निषेध कर सकता है? ये अभूतल घटो नास्ती, जो व्यक्ति घट को जानता नहीं वह घटो नास्ती ऐसा बोल नहीं सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति भेद को जानता ना, भेद को निषेध कैसे कर सकता? मैंने कहीं ना कहीं भेद को स्वीकार किया है तो अन्य तरह से निषेध कर रहे हैं। यह है ना, पर यह नानास्ति किंचन, यह नाना न अस्ति माने अन्यत्र नाना अस्ति अर्थ निकलता है। नहीं तो यह क्यों बोला? जैसे यह भूतले नास्ति का मतलब ज्ञानत्र घटो अस्ति, अतएव आप निषेध कैसे कर सकते हो? ये कहता है प्रतियमानत्व तो अर्ध आपने स्वीकार कर लिया प्रतीत होता है, फिर तो बलवत् प्रत्यक्ष प्रमाण बाह्य विषयत्वात् भेद निराशय प्रवृत्ता नाम अनुमान आगमार्थापत्ति नाम अनवकाश प्रसंगा। यदि आपने प्रतीत होता है स्वीकार कर लेते हो फिर बलवान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित विषय वाला होने से भेद को खंडन करने वाले जितने भी आपके पास अनुमान है आगम्य अर्थापत्ति है वह सब निरवकाश हो जाएगा, उनका कोई गुंजाइश नहीं रह गया कि प्रत्यक्ष से आपके भी अनुमान वे आगम वे अर्थापत्ति सब खंडित हो जाएंगे।
नच भेद प्रतिपत्तौ परस्पर आश्रय दोष है। लेकिन यदि वेदांति कहते हैं महाराज इन क्या करें, वो भेद प्रतिपत्ति जिस प्रकार समझा रहे हो, स्तंभा कुंभो भिन्न कुंभा स्तंभो भिन्न, इसमें तो अन्योन्य आश्रय दोष है। ऐसा कहते हो सब प्रतियोगित्व नहीं हो भेद से प्रतिपत्ति नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्वात्, कहते ऐसा अन्योन्य आश्रय दोष आप दे नहीं सकते, क्योंकि हम जो वहां पर बना रहे हैं सब प्रतियोगित्व नहीं हो भेद से प्रतिपत्ति है। भेद की प्रतिपत्ति सदा प्रतियोगी सहित ही हुआ करता है, बिना प्रतियोगी का भेद की प्रतीति कभी हो नहीं सकती। यदि नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्वात्, ये जो नियम है सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति का अधीन है, ये थोड़ा समझना पड़े। सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति अधीन का मतलब क्या, जैसा सविकल्प ज्ञान है वो कैसा पैदा होता है, विशिष्ट होता है, लेकिन वह निर्विकल्प ज्ञान के बिना हो जाएगा क्या? पहले आपको क्या दिखा, घट और घटत्व, उनका विद्यमान जो तादात्म्य संबंध तीनों दिखा, तभी आप क्या कहोगे अयं घट। पहले आपको क्या ज्ञान हुआ, घट घटत्व समवाया या घट घटत्व तादात्म्या, ये ज्ञान हुआ घट घटत्व तादात्म्या, बहुवचन बोल रहा हूं इसलिए, तीन का आपको निर्विकल्प ज्ञान हुआ। फिर उन तीनों का विशिष्ट ज्ञान हुआ, तादात संबंध आचन घटत्व आचन अयं घट, ये विशिष्ट ज्ञान जो हो गए वो संकल्प हुआ। ये दो है तो घट घटत्वे द्विवचन होगा निर्विकल्प ज्ञान, फिर घटत्व आचन अयं घट संकल्प ज्ञान होता है। उसी प्रकार भेद भी प्रतियोग्य दिन सदा होता है। भले आपको हर हरे ज्ञान में आप ऐसे कर रहे हैं क्या, पहले निर्विकल्प ज्ञान फिर बाद संकल्प ज्ञान करते हो क्या, नहीं, लेकिन वो नियमित है। आपको कोई भी संकल्प ज्ञान हो रहा है निश्चित रूपेण वह निर्विकल्प ज्ञान पूर्वक ही है, बिना निर्विकल्प ज्ञान का सीधे केवल सविकल्प ज्ञान कभी किसी को हो नहीं सकता। इसलिए कहते कि देखो यहाँ कि जो नियम से सविकल्पकत्व प्रयुक्त व्याप्ति उपजीवित्व, नीचे देखिए टीका में बड़ा सुंदर कर है, यह जो भेद की प्रतिमा अन्योन्य आश्रय दोष दिया है वह भी संगत नहीं, क्योंकि भेद विषय का सविकल्प ज्ञान में ही भेद और भेद्य का ज्ञान अपेक्षित होता है, क्योंकि सविकल्प ज्ञान हमेशा निर्विकल्प ज्ञान अधीन है। इसे भेद का सविकल्प ज्ञान भी होना है तो पहले उस भेद का निर्विकल्प ज्ञान जरूरी है ना, और भेद का निर्विकल्प ज्ञान क्या रहेगा, भेद भेद्य दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भेद और भेद्य और भेद के अपने प्रतियोगी, ये तीनों को मिला करके ही आप क्या देख रहे हैं, घट पट भेदाह। पहले क्या निर्विकल्प ज्ञान होगा, घट पट भेदाह, तीन चीज आपने देखा, फिर उसका विशिष्ट ज्ञान हुआ घटात पटो भिन्न। तो अन्योन्य आश्रय दोष कहां से आएगा यहां, इसे क्योंकि जो भी भेद ज्ञान होगा पहले ही उस भेद का प्रभेद्य के साथ में निर्विकल्प ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तदधीन सविकल्प ज्ञान हुआ, और सविकल्प ज्ञान में ही भेद और भेद्य का ज्ञान अपेक्षित होता है, क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान में नहीं, अतः निर्विकल्प के द्वारा पहले भेद आदि का स्वरूप भान हो जाने के पश्चात सविकल्प ज्ञान में भेद भेद सापेक्ष भेद की प्रतीति हो जाती है, और निर्विकल्प ज्ञान को ऐसा अपेक्षा नहीं है। निर्विकल्प ज्ञान तो विशिष्ट नहीं है ना, निष्प्रकारक है, निर्विशेषक है, बस चीजें गिना दिया बस इतना है, उनका आपस में जोड़ तोड़ जो है बाद में हुआ सविकल्प ज्ञान में। इसलिए पहले हमें विशिष्टता की अपेक्षा नहीं है, कब निर्विकल्पक में, वही कहते निर्विकल्प ज्ञान में तो विशिष्ट की अपेक्षा नहीं है, अतः निर्विकल्प के द्वारा पहले क्या हुआ, भेद आदि का स्वरूप भान हो जाने के पश्चात, भेद आदि क्या हुआ, स्वरूप भान हो गया, भान होने के पश्चात क्या होता है, सविकल्प ज्ञान में भेद भेद का सापेक्ष भेद की प्रतीति माने विशिष्ट भेद प्रतीति हो जाती है। इसीलिए निर्विकल्पक में भी यदि कहा गया नहीं भाई निर्विकल्प में भी विशिष्टता की अपेक्षा है, फिर कहो निर्विकल्प ज्ञान का स्वरूप ही भंग हो गया। यदि कहेगा निर्विकल्पक ज्ञान भी विशिष्टम ज्ञानम प्रत्यक्षत्वात् सविकल्पकवत्, ऐसे साधारण धर्म प्रत्यक्ष तौर भी साधारण किसमें, निर्विकल्प ज्ञान में भी है सविकल्प ज्ञान में भी है। साधारण धर्मों को लेकर ऐसे पहले बोलते हैं, अभी भी बोला था कल है ना, कल के पाठ में भी आया था ना,
यदि साधारण धर्मों को लेकर के अनुमान कर लग जाओ तो विश्व में अविश्वास होने लग जाएगा, सारे पदार्थों का उच्छेद हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पृष्ठ 221 में देखो, ये साधारण अन्य धर्म से अन्यत्र आरोप सती विश्व संकर प्रसंग न पूर्वोक्त दोषानुषंग। सामान्य की चर्चा चल रही ना, अपोहवाद का खंडन, सामान्य में अपोहवाद का खंडन के प्रकरण में आया था।